सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल खरगोन के बेड़िया पहुंचे और 33 केवी व 11 केवी क्षमता युक्त विद्युत ग्रिड का लोकार्पण किया। बता दें कि ग्राम डालची में ये ग्रिड 1.44 करोड़ की लागत से लगेंगे। इस अवसर पर विधायक सचिव बिरला मौजूद रहे। सांसद ज्ञानेश्वर पाटीदार ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से बेड़िया मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में सरप्लस बन रहा है। शहरों, ग्रामों और खेतों को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जा रही है। विधायक सचिन बिरला के अथक और निरंतर प्रयासों से डालची विद्युत ग्रिड का निर्माण संभव हो पाया। बहुत सारे काम किए, जहां हम हमेशा पहले अंधेरे में रहते थे और आज बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भी हम सरप्लस है, उत्पादन में भी सरप्लस है और जो सप्लाई चेन है वो सप्लाई के मामले में भी कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे गांव में बिजली मिलना कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि 24 घंटे गांव में बिजली मिलेगी, लेकिन ये हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रण लिया था कि मैं मध्य प्रदेश के हर गाँव में 24 घंटे गाँव में बिजली दूंगा। और 24 घंटे जैसे दूसरी बार सरकार में आए तो 24 घंटे गांव में बिजली देने का 2013 के पहले बिजली देने का जो उनका संकल्प था उस संकल्प को पूरा किया। किसान को सतत 10 घंटे बिजली मिले और आज किसान हमारा संतुष्ट है कि किसान को जो पहले हमने देखा था कि कई बार रोज ट्रांसफार्मर उड़ते थे, किसान को वोल्टेज नहीं मिलता था, मोटर जलती थी। मतलब ये दौर ऐसा, एक दौर ऐसा था कि जहां मोटर वाइंडर जो है, जो मोटर भरने वाले थे वो लखपति करोड़पति बन गए थे, जो टपरे में रहता था 3-3 मंजिल के उनके मकान बन गए थे। इसलिए बने थे क्योंकि किसान के पास कोई विकल्प नहीं था। किसान के पास जहां 2 मोटर लगती थी पहले, वो 3-3 मोटर रखता था, एक मोटर एक्स्ट्रा रखना पड़ती थी, कब जलेगी, कब नंबर लगेगा। लेकिन उस सारी समस्या से निजात हमारे विद्युत विभाग ने दिलाई है और मैं घाटे जी को बधाई देना चाहूंगा, साहू जी को बधाई देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा विधायक जी को कि विधायक जी के जुझारूपन के कारण ही ये डालची का आपका ग्रिड यहाँ सुकृत हुआ और इतने कम समय के अंदर बनकर तैयार हुआ। मेरे पास में 6 महीने से मैं आपके संपर्क में हूँ, 6 महीने से यहाँ के किसान मेरे भी संपर्क में आए कि भैया डालची का ग्रिड जल्दी कंप्लीट होगा तो हम किसानों को गेहूं और चने की फसल लेने में बिजली मिल पाएगी और नहीं तो हम इस साल फिर खाली रहेंगे। तो साहब ने मुझे आश्वस्त किया था कि नवंबर महीने के अंदर में बिल्कुल चिंता मत करो, दीपावली जैसी हो जाएगी, दीपावली होने के बाद में बिल्कुल ग्रिड शुरू करता है, 1 महीना लेट जरूर है। विधायक बिरला ने कहा कि पहले डालची विद्युत ग्रिड की स्वीकृति निरस्त हो गई थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और डालची विद्युत ग्रिड के निर्माण का सपना साकार किया। वोल्टेज की प्रॉब्लम हमारा क्षेत्र झेल रहा है, रोज मोटरें चल रही थी, ट्रांसफार्मर चल रहे थे, पानी दूर दूर होने के कारण पाइपलाइन लंबी लंबी थी, तो बिजली की जो वोल्टेज की प्रॉब्लम थी उसके कारण हम सब लोग त्रस्त थे। और जैसे घाटे साहब बता रहे, मैं बात को फिर दोहराऊंगा कि इन गांव के लोगों को लेकर भी मैंने आपको एक बार घेरा था। ये सभी गांव वाले बिजली की समस्या को लेकर परेशान रहते थे, तो उस समय इन सब लोग बड़ी आशा की नजर से मेरे तरफ देखते भी थे क्योंकि विपक्ष की भूमिका में था और पूरी ताकत से विपक्ष की भूमिका निभाई और इन लोगों के काम कराने की पूरी पूरी कोशिश करता था। साथियों, बड़ी खुशी का अवसर यह भी है, इस ग्रिड के कारण बेड़िया के वोल्टेज की प्रॉब्लम भी खत्म होगी, वो ग्रिड भी थोड़ा सा फ्री होगा, थोड़ा आराम लेगा और ऐसे रोड़िया वाला भी। तो इस तरह से ये हमारा क्षेत्र बेड़िया क्षेत्र में वोल्टेज की प्रॉब्लम इस ग्रिड के कारण समाप्त होने वाली है। तो ताली बजाकर घाटे जी और साहू जी का स्वागत कर दीजिए कि इन्होंने एक बड़ा काम इस क्षेत्र के लिए किया है। और जैसे अभी घाटे साहब बता रहे थे उस बात को आगे, भैया जरा शांति रखो, ए छोटू बैठ जा, जरा बैठ, जरा शांति से बैठो, जरा सुन लो, जिस काम के लिए आए वो काम भी अपन कर ले। भैया जिस तरह से
अभी गाटे साहब बता रहे थे कि बड़वा विधानसभा पर हमारा प्रेम हमारा स्नेह शुरू से है, क्योंकि दोनों अधिकारी यहाँ पर वर्षों से काम कर चुके हैं, साहब तो कर ही चुके हैं, साहू जी भी कर रहे हैं, तो एक आत्मिक लगाव हो जाता है क्षेत्र के प्रति कि हम लोग यहाँ पर रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि अच्छे हैं, समय समय पर हमारी मदद करते हैं। अधिकारी कोई भी हो, आज सब लोग समझ लो भैया, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आप सबके काम आएगी जीवन में। अधिकारी कोई भी हो, यही चाहते हैं कि जनता हमारे से प्रेमपूर्ण व्यवहार करे और हम भी जनता के बड़े भाई आशीर्वाद दाता या ये कहें कि सेवक बन के हम लोग काम करें, हर कर्मचारी यही चाहता है। तो जब हम अपने अच्छे भाव रखते हैं, एसडीएम साहब इधर आ जाओ। ग्रिड का उद्घाटन हुआ है, इस मौके पर आप क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देंगे? कालची और आसपास के 5 गांव को इस ग्रिड के माध्यम से बिजली की जो समस्या आती थी वो समस्या का समाधान हो गया। जो वोल्टेज कम मिलते थे वो वोल्टेज 5 गांव के किसानों को अच्छे वोल्टेज मिलेंगे, और यहाँ के घरेलू उपभोक्ताओं को अच्छे वोल्टेज मिलेंगे, और जो आए दिन जो समस्या उत्पन्न रहती थी उस समस्या का समाधान होगा। मैं उसके लिए क्षेत्रीय हमारे विधायक सचिन बिरला जी को और विद्युत मंडल के अधिकारी गाठे जी, साहू जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, और किसान बंधुओं और उपभोक्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी के हमारे शिवराज जी की सरकार ने आज इस ग्रिड के माध्यम से करने का पूरा प्रयास किया है। इसके तहत चंदनीपुरा, साला, बरछार एवं अम्बा में 4 विद्युत ग्रिड का निर्माण किया जाएगा।